नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। पितृपक्ष में चार तिथियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर गरुड़ पुराण की माने तो गरुड़ पुराण के अनुसार इन चार तिथियों को बहुत ही महत्व दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो चार तिथियाँ कौन सी है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि वो चार तिथियाँ कौन सी है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहली तिथि है अष्टमी। यदि आप अपने पिताजी का, दादाजी का, बड़े भाई का या कोई भी पुरुष, जो आपके परिवार का कोई भी पुरुष जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनका श्राद्ध करना चाहते हैं तो आपको अष्टमी की तिथि को चूज़ करना चाहिए। यानी अष्टमी तिथि को ही किसी भी जेंट्स का यानी किसी भी पुरुष का श्राद्ध किया जा सकता है, अगर आपको उनकी तिथि नहीं मालूम है तो। अदरवाइज आप उसी तिथि पर कीजिए। अगर आप अपनी माता जी का श्राद्ध करना चाहते हैं या अपनी दादी का श्राद्ध करना चाहते हैं या कोई भी लेडी का श्राद्ध करना चाहते हैं और आपको उनकी जो मृत्यु की तिथि है यानी कि जो स्वर्गवास का तिथि है वो नहीं मालूम है तो आपको नवमी की तिथि का चूज़ करना चाहिए। नवमी तिथि को चुनना चाहिए क्योंकि नवमी तिथि को ही किसी भी स्त्री का श्राद्ध किया जा सकता है। ये कब की बात है? जब आपको उनका स्वर्गवास का दिन नहीं मालूम है तब आप करें, अदरवाइज आप उसी तिथि पे करिए जिस तिथि को उनका स्वर्गवास हुआ था। चलिए, अगर किसी के घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, किसी ने सुसाइड कर लिया हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, उससे उनकी मृत्यु हो गई हो, कोई बच्चे का स्वर्गवास हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में अगर उनका श्राद्ध करना चाहते हैं तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन होता है। यानी चतुर्दशी के दिन ऐसे लोगों का श्राद्ध किया जाता है। हम बात करते हैं आखिरी तिथि की। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पूर्वज, जो पता नहीं कितने साल पहले स्वर्गवास जिनका हो गया है और आप भूल गए हैं या आपके घर वाले भूल गए हैं, लेकिन आप चाहते हैं उनका भी श्राद्ध हो, उनको भी, उनकी भी आत्मा को शांति मिले, तो आप अमावस्या की तिथि को चूज़ कर सकते हो, अमावस्या की तिथि का चयन कर सकते हो। क्योंकि अमावस्या की तिथि को जितने भी हमारे पूर्वज हैं जो करोड़ों साल से हैं, उनका भी श्राद्ध कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनका आपको नाम याद हो, जरूरी नहीं कि उनकी तिथि याद हो, कुछ भी याद नहीं है, तो भी आप उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन कर सकते हो और उनको इस श्राद्ध के, और उन सभी को आपके द्वारा किए गए श्राद्ध का फल अवश्य मिलेगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।